नीलम जुनेजा सयाचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पाठ्य के विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी वंश के राजा थे। उन्होंने शासक बनने के बाद उन्होंने अपने प्रशासन के अंतर्गत कई प्रकार के सुधार किए। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत कई प्रकार के सुधार आपको बताए थे और आज हम विशेषकर उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की बात जो है करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के राजा थे, जब उस गद्दी पर बैठे या प्रशासक बने, उनके समय में राज्य की आर्थिक स्थिति जो थी वो काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। वो अपने प्रशासन की आर्थिक स्थिति को भी सुधारना चाहते थे, राज्य कोष को वो सुदृढ़ बनाना चाहते थे और एक विशाल सेना का निर्माण करना चाहते थे। उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने समय में कई आर्थिक सुधार जो थे किए। उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की जानकारी हमें जियाउद्दीन बरनी की द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही और अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है खजाइनुल फतू जो है उससे इसकी जानकारी जो है मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में जो आर्थिक सुधार किए उसमें दो प्रकार के सुधारों की जानकारी मिलती है। एक तो उनके द्वारा वित्तीय अर्थात राजस्व संबंधी सुधार थे और दूसरा उनके द्वारा किया गया कार्य जो था बाजार संबंधी सुधार था। सबसे पहले हम उनके द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों की बात करेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बने, अपने राज्य की वित्तीय व्यवस्था या राजस्व स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने राजस्व व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और इसके लिए उन्होंने भूमिकर को लेकर मुस्तखराज नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की और उसको विशेषकर ये कार्य सौंपा कि जो किसान राज्य को कर अदा नहीं कर रहे उनसे करों को जो है वसूल किया जाए। और राजस्व संबंधी सुधारों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी किया कि सुल्तान बनने के बाद उन्होंने जागीर प्रथा जो थी इसका अंत कर दिया और जो जागीरदारों के पास जागीरें थी वो उनसे जो थी छीन ली। और दूसरा कार्य ये भी किया कि जो भी जागीरें अमीरों को दान के रूप में भी दी गई थी उसके ऊपर भी उन्होंने अपना अधिकार जो था कर लिया। और तीसरा कार्य ये भी किया कि उन्होंने राज्य में रहने वाले जो अमीर थे उनको जागीरों की बजाय उन्होंने नगद वेतन देना जो था प्रारंभ कर दिया। इसके पीछे उद्देश्य जो था अपने राज्य की भूमि को यानी कि बढ़ाना था। और एक सुधार उन्होंने ये भी किया कि कर को वसूल करने के लिए एक अर्थ सचिव की उन्होंने नियुक्ति की और अपने साम्राज्य को कई भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग में एक एक अध्यक्ष की नियुक्ति की और उनको राजस्व वसूल करने का उत्तरदायित्व जो था सौंपा। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व संबंधी सुधारों में एक महत्वपूर्ण बात ये भी पता चलती है कि उन्होंने राजस्व वसूल करने से पहले जितनी भी राज्य की कृषि योग्य भूमि थी उसकी पैमाइश करवाई और उसकी पैमाइश करवाने के बाद उनकी अलग अलग उसको यानी भागों में बांट दिया, जिसके अंतर्गत उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि इनकी अलग अलग यानी कि कैटेगरी बनाई गई और उन्हीं के अनुसार उनसे कर जो था वसूल किया गया। और इसके महत्वपूर्ण कार्य ये भी किया कि उन्होंने दिल्ली और दोआब के जो क्षेत्र थे वहाँ पर इस राजस्व व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। दोआब एक उपजाऊ क्षेत्र था जहाँ पर कहते हैं कि राज्य की सबसे अधिक उपज होती थी और उन्होंने वहाँ पर जो था कर बाकी भागों से अधिक जो था लगाया। और एक पता ये भी चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने करों का निर्धारण किया और उस करों के अंतर्गत कई प्रकार के कर लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कर भूमि कर था जो राज्य की आय का एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन माना जाता था। भूमि कर के अंतर्गत उन्होंने 25 और 30% जो कर लिए जाते थे उसे बढ़ाकर उन्होंने 50% जो था कर दिया। और इसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य की आय को बढ़ाकर अपनी विशाल सेना के खर्चे को पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 50% कर जो था लिया। और ये भी कहा जाता है कि किसान थे उनसे भूमि कर वसूल करने के लिए उन्होंने योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की और उनको ये भी आदेश दिया कि अगर किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार या घुसखोरी की तो उन्हें राज्य की ओर से दंडित जो है किया जाएगा।
और जिसका परिणाम ये निकला कि अधिकारियों ने ईमानदारी से किसानों से कर वसूल करना शुरू किया और जिससे राज्य की आय जो थी वो बढ़ गई। और दूसरा जो कर लिया गया वो जजिया कर था। जजिया कर जो गैर मुसलमान अर्थात हिंदुओं से वसूल किया गया और ये भी उनकी आर्थिक आय के ऊपर जो था निर्भर करता था। इस कर के अंतर्गत ब्राह्मण, स्त्रियों, बच्चों, पागल और निर्बल लोग जो थे हिंदू, उनको इस कर से मुक्त रखा गया और अन्य सभी जो हिंदू थे उनसे कर जो था लिया गया। तीसरा कर जकात कर था जो मुसलमानों से लिया गया। ये धार्मिक कर के रूप में था और ये प्रत्येक मुसलमान की आय का 40वां हिस्सा जो था इस कर के रूप में वसूल किया गया। चौथा कर जो था वो खम्स कर था। खम्स कर यानी कि युद्ध में जो लूट का माल होता था उस माल के अंतर्गत, ये कहते हैं कि जो लूट का माल था उसमें राज्य के अंतर्गत 1/5 से उसे बढ़ाकर 4/5 जो था कर दिया गया, अर्थात कुछ सैनिकों में और कुछ उसका हिस्सा राज्य कोष में जो था जमा किया गया। और पांचवा कर जो था आवास कर था, जो कहते हैं कि उसके राज्य में रहने वाले लोग थे उन्हें हाउस टैक्स के रूप में ये टैक्स जो था लिया गया। छठा कर चराई कर था, यानी कुछ लोगों का व्यवसाय पशुपालन था, अगर जिन्होंने जरूरत से अधिक पशुओं को रखा तो उनसे चराई कर जो थे वसूल किए गए। यानी इससे ये पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में अनेकों प्रकार के कर वसूल किए, राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की और करों को वसूल करने के लिए खुद मुकदम चौधरी इन अधिकारियों की नियुक्ति की और उनको कर वसूल करने का उत्तरदायित्व जो था सौंपा, और जिसका परिणाम ये निकला कि उसके राज्य की स्थिति अच्छी हो गई, राज्य को आय जो थी बढ़ गई और समय पर कर जो था राज्य कोष में जमा जो था होने लगा। दूसरा कार्य जो उनका है वो बाजार संबंधी सुधार था, जिसको मार्केट कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व संबंधी सुधार के बाद उन्होंने बाजार संबंधी सुधार जो था किया। इतिहास में एकमात्र अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मार्केट कंट्रोल अर्थात बाजार नियंत्रण की नीति को जो था अपनाया। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य जो थे किए। सबसे पहला कार्य ये किया कि इस नीति के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं थी उसके मूल्य जो थे निर्धारित करवा दिए, और जिसके अंतर्गत आम लोगों के जीवन में काम आने वाली जितनी भी वस्तुएं थी उनकी सूची जो थी तैयार करवाई। उस मूल्य सूची के अंतर्गत उदाहरण के लिए जो खाद्य पदार्थ थे उसके जो मूल्य निर्धारित किए गए वो इस प्रकार थे। खाद्य पदार्थों के अंतर्गत जैसे गेहूँ 7 जीतल प्रति मन, चना 5 जीतल प्रति मन, जो 4 जीतल प्रति मन, धान 5 जीतल प्रति मन, उड़द 5 जीतल प्रति मन, और मोट जो था वो 5 जीतल प्रति मन, और इसके अलावा शक्कर यानी प्रति शेर 7.5 जीतल, गुड़ प्रति शेर 1.5 जीतल और मक्खन प्रति 3 शेर 1 जीतल और सरसों का तेल प्रति 2.5 शेर 1 जीतल इस रूप में जो था वसूल किया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में 2 प्रकार की मुद्राएं चलती थी, एक टंका और 1 जीतल थी। टंका ये 1 तोले के बराबर होता था और जीतल जो थी 1 टंके में 50 जीतल आते थे। और जहाँ तक शेर की बात आती है ये आज के किलो की तरह होता था और एक मन जो था उसमें 14 शेर जो थे आते थे। इस प्रकार उन्होंने मूल्य जो थे निर्धारित करवाए। और खाद्य पदार्थ की जो मार्केट थी उसे गल्ला बख्शी मार्केट के नाम से भी जाना जाता था। और दूसरा जो कपड़ा था उसके भी मूल्य निर्धारित करवा दिए। उदाहरण के लिए जो अच्छा लट्ठा था 1 टंके का 20 गज यानी कि ये रेट जो था इसका निर्धारित करवाया गया। ये जो वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करवाए और ये भी निश्चित किया कि इसको कोई भी अपनी इच्छा अनुसार जो है इसे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा और ना ही अतिरिक्त मूल्य जो है वसूल करेगा। इसके अलावा घोड़े, दास, मवेशी इत्यादि जो थे उनके भी मूल्य निर्धारित करवाए गए, जिसके अंतर्गत उनकी श्रेणियां बना दी गई और उस श्रेणी के हिसाब से उनके मूल्य जो थे निश्चित किए गए। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मार्केट कंट्रोल की नीति में सबसे पहला कार्य ये किया कि हर वस्तुएँ जो थी उसके उन्होंने भाव जो थे निश्चित करवाए।
और दूसरा कार्य ये किया कि उन्होंने मूल्य निश्चित करवाने के बाद उन वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी किया कि उन्होंने किसानों को तो ये आदेश दिया कि आपके पास जितनी भी उपज है उसका अधिकांशतः यानी हिस्सा जो है वो राज्य को निर्धारित मूल्य पर जो है बेचा जाए, और इसके अलावा जो लगान लिया वो भी अनाज के रूप में जो था वसूल किया, और राज्य की ओर से बड़े बड़े गोदाम बनाए गए और उस अनाज को सुरक्षित जो था रखा गया, और इसके अलावा जो व्यापारी बाहर से माल लाते थे उनको भी उन्होंने राज्य की ओर से आदेश देकर समय पर माल को बाजार में लाने का उन्हें निर्देश जो था दिया। और तीसरा कार्य ये किया कि जो व्यापारी थे उनका पंजीकरण किया गया, अर्थात राज्य की ओर से उनके रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा गया और उनको व्यापार करने की अनुमति दी गई। चौथा कार्य ये था कि जो भी उन्होंने मूल्य निर्धारित किया उसको वितरित करने के लिए खाद्य पदार्थ जो थे उसके लिए हर परिवार के राशन कार्ड बनाए गए और परिवार के सदस्यों के हिसाब से उसको अनाज इत्यादि जो था निश्चित मूल्य पर दिया गया। और पांचवा कार्य ये किया गया कि बाजारों में बाजार नियंत्रण की नीति को सफल बनाने के लिए उन्होंने निरीक्षक यानी कि उसके सुपरवाइजर की तरह अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा अधिकारी दीवाने रियासत था और उसके अधीन जो अधिकारी आता था वो शहनाई मंडी होता था, और उसके अतिरिक्त जो अधिकारी आते थे उसमें बरी देर मंडी जो गुप्तचर की तरह कार्य करवाते थे, और यानी ये अधिकारियों को नियुक्त करके उन्होंने उनके अधीन छोटे और अधिकारी जो थे नियुक्त किए और बाज़ार में बिकने वाली हर वस्तु जो थी उसको उन्होंने पूरी निगरानी के अंतर्गत जो था रखा। और छठा कार्य जो किया इस नीति को सफल बनाने के लिए कठोर दंड व्यवस्था जो थी बनाई, यानी ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण की नीति को सफल बनाने के लिए राज्य के अंतर्गत बिकने वाली हर तरह की वस्तुएं जो थी उसकी समय समय पर उन्होंने जांच जो थी करवाई। उदाहरण के लिए बच्चों के माध्यम से उन्होंने उन्हें पैसा देकर सामान खरीदने के लिए भेजा और उसके बाद उसे राज्य तुला में तोला गया। अगर किसी व्यापारी ने माल कम और पैसा अधिक लिया तो उसके शरीर का उतना मांस जो था वो निकाल लिया गया। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि राज्य के अंतर्गत अपनी इस नीति को एक तो सफल बनाना और एक बढ़ते हुए यानी अपराध इत्यादि जो थे इसको रोकना था। ये उन्होंने कार्य जो था किया, उनकी कठोर दंड व्यवस्था के कारण जो भी व्यापारी थे उन्होंने ईमानदारी से और नियमानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यापारियों ने व्यापार किया और अधिकारियों ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, और उनके समय में ये नीति जो थी सफल रही और उनके राज्य कोष की स्थिति जो थी वो भी सुदृढ़ हो गई, और इसमें सैनिकों को भी लाभ पहुंचा और जहाँ तक आम लोगों की बात आती है वो भी इससे काफ़ी लाभान्वित जो थे हुए। अभी हमने बात की अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस नीति में क्या क्या कार्य किए गए, अब हम अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नीति की समीक्षा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाज़ार नियंत्रण की नीति अपनाई अगर हम उसकी समीक्षा करें तो उसमें गुण और दोष दोनों दिखाई देते हैं। उनके गुणों के अंतर्गत पहला गुण तो ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाज़ार नियंत्रण की नीति अपनाई या कहने का मतलब कि उन्होंने आर्थिक व्यवस्था में जो राजस्व संबंधी इत्यादि सुधार भी जो किए इससे राज्य को बड़ा लाभ पहुँचा, और इससे अलाउद्दीन खिलजी ने 4,75,000 की एक विशाल सेना का निर्माण किया, उसका राज्य के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं आया और विशाल सेना भी जो थी निर्मित हो गई, और इस सेना से उन्होंने आंतरिक विद्रोहों का दमन किया, राज्य का विस्तार किया और मंगोलों से राज्य की सुरक्षा की। ये इसका पहला लाभ था या गुण था। दूसरा गुण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई इससे और राजस्व संबंधी सुधार से राज्य को बड़ी आय हुई।
और तीसरा इसका गुण ये था कि जो बाजार नियंत्रण की नीति थी इससे जनता को भी बहुत लाभ पहुंचा, क्योंकि दिल्ली में विशेषकर ये नीति लागू की गई और दिल्ली में रहने वाले लोगों को सस्ती दर पर अनाज और वस्तुएं मिलने लगी और अकाल के समय भी उन्हें कभी खाद्यान्न पदार्थों की कमी नहीं आई। चौथा लाभ ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो नीति अपनाई, इस नीति से उसने विशेषाधिकार वर्ग जो था उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर दिया, जिससे उनके विद्रोहों की संख्या जो थी कम हो गई। और एक इसका गुण ये भी था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई, इसमें जिन अधिकारियों के वेतन कम नहीं किए गए उनको भी बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचा और उनका खर्चा कम और लाभ अधिक होने लगा। ये तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति के गुण थे, लेकिन इसकी अगर समीक्षा करें तो इसके कई परिणाम यानी कि दोष जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और बाजार संबंधी नीति की समीक्षा करें तो पहला दोष ये था कि इससे किसानों की दशा दयनीय हो गई, क्योंकि किसानों को अपनी उपज जो थी या अनाज जो था उसे सस्ती दर पर राज्य को बेचना पड़ा और इसके अतिरिक्त उनसे 50% कर भी जो था लिया गया, और जिससे किसानों में निराशा की भावना आ गई। और दूसरा इसका दोष ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने करों के अंतर्गत जब करों का निर्धारण किया, लोगों के ऊपर अत्यधिक कर लगा दिए और जिसमें विशेषकर मुसलमानों से भी अधिक हिंदुओं से कर लिए गए, और जिससे हिंदुओं की स्थिति जो थी बहुत दयनीय हुई। और तीसरा दोष ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई, इसमें व्यापारियों को लाभ कम हुआ, जोखिम अधिक उठाना पड़ा, उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और उनका व्यापार के प्रति इंटरेस्ट जो था कम होने लगा। और चौथा दोष ये था कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति से जो बाहर के व्यापारी थे उन्होंने माल लाना बंद कर दिया, जिससे बाजार के अंतर्गत उत्तम श्रेणी का माल जो था इसकी कमी जो थी हो गई। यानी ये इसके दोष थे, लेकिन इनके दोषों और गुणों की समीक्षा के बाद जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो ये पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो आर्थिक सुधारों की नीति को लेकर कार्य किए, इससे राज्य को काफ़ी लाभ पहुंचा और इसके कारण राज्य की आर्थिक दशा सुदृढ़ हो गई। जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहे ये व्यवस्था चलती रही और उसके बाद ये व्यवस्था जो थी समाप्त होगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के इस कार्य के कारण आज भी अलाउद्दीन खिलजी को इस मार्केट कंट्रोल और आर्थिक सुधारों की नीति के कारण इतिहास के अंतर्गत श्रेष्ठ मुस्लिम शासक के रूप में जो है माना जाता है। अब हम करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मूल्यांकन की बात। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के राजा थे, 1296 से 1316 तक राज्य किया और 1316 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल के अंतर्गत शासक के रूप में जो भी कार्य किए और उनकी उपलब्धियों और कार्यों के आधार पर अगर हम उनका मूल्यांकन करें तो उनके चरित्र में हमें कई विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहली विशेषता ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी एक साहसी योद्धा थे, शासक थे, और उन्होंने सुल्तान बनने के पहले और सुल्तान बनने के बाद अनेकों विजय अभियान किए, सेना का संचालन किया और उन्होंने बड़ी वीरता से इन युद्धों में विजय हासिल की और अपने प्रतिद्वंदियों को उन्होंने परास्त किया। ये इनके चरित्र का पहला गुण माना जाता है। दूसरा गुण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी थे, विशाल साम्राज्य की स्थापना करना उनका स्वप्न था और उन्होंने इसे साकार करके दिखाया और संपूर्ण भारत में उत्तरी और दक्षिण भारत में अधिकार करके उन्होंने राज्य को विस्तृत किया। ये भी उनके चरित्र का गुण माना जाता है। भारत में तुर्की राजाओं या सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तीसरा, उनके चरित्र का गुण निरंकुश शासक थे, कठोरता की नीति को अपनाया, अपने अधिकारियों पर नियंत्रण रखा, राज्य में बढ़ने वाले भ्रष्टाचार को उन्होंने समाप्त किया, चोरी डकैती हिंसा
वो भी उनके समय में कम हो गई और लोगों को निष्पिन न्याय जो था वो मिलने लगा, अर्थात निरंकुश शासक होना, ये भी इनके चरित्र का एक गुण जो है मान सकते हैं। क्योंकि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे उस समय उदारता की नीति से शासन करने से राज्य में अव्यवस्था बढ़ सकती थी, उन्होंने निरंकुशता की नीति से राज्य में शांति को जो था कायम किया, क्योंकि ये समय की मांग थी। अलाउद्दीन खिलजी के चरित्रिक गुणों में एक गुण ये भी आता है कि वो महान सुधारक थे, गद्दी पर बैठे राज्य में बहुत सी अव्यवस्थाएँ थी, उसे सुधारने के लिए उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सभी में उसने सुधार करवाए और जिससे शासन में बहुत से सुधार हुए, इसलिए इतिहास में उन्हें एक महान सुधारक के रूप में भी माना जाता है। निष्कर्ष के रूप में अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के एक महान शासक थे, योद्धा, विजेता और सुधारक थे, इसलिए इतिहास के अंतर्गत उनको एक श्रेष्ठ सुल्तान की संज्ञा जो है दी जाती है। और उनके संदर्भ में डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है, यदि अलाउद्दीन के कार्यों एवं उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो ये कहना पड़ेगा कि दिल्ली के मध्ययुगीन शासकों में अलाउद्दीन खिलजी का स्थान सबसे ऊंचा था। K.S. लाल ने भी अलाउद्दीन खिलजी की गणना सल्तनत काल के श्रेष्ठ सुल्तानों में की है, अर्थात उन्हें सर्वश्रेष्ठ जो है माना है। धन्यवाद।